आज हम मॉडुलस स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस क्या है? जैसे स्क्वायर रूट के अंदर यदि स्क्वायर है, बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब भी इस टाइप का केस हो, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। मॉडुलस का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ है बेटा, बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसको हम मॉड ऑफ एक्स बोलते हैं। मॉड का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये मैं बता रहा हूं। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर यदि स्क्वायर है तो बाहर आके मॉड आ जाएगा। ओके, अब बेटा मॉड के दो फोल्डर होंगे, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। ओके, मॉड ऑफ एक्स के दो फोल्डर होंगे, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। बेटा प्लस एक्स कब होता है? जब एक्स पॉजिटिव हो, और माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स नेगेटिव हो। और यदि एक्स जीरो है, इफ एक्स जीरो देन जीरो, तो यहां अपन जीरो लगाएंगे। ओके, इक्वल जनरली हम कहां लगाते हैं? ऊपर। ये है डेफिनेशन ऑफ मॉड, इसको आप नोट करें, डेफिनेशन ऑफ मॉड। बेटा मॉड का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर हो तो वो बाहर आके मॉड एक्स बनता है। ओके, और मॉड एक्स के बेटा दो फोल्डर होते हैं, एक प्लस एक्स जब एक्स पॉजिटिव हो और एक माइनस एक्स जब एक्स नेगेटिव हो। ठीक है, अब आप देखिए, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मॉड ऑफ एनीथिंग, मॉड ऑफ एनीथिंग, मॉड ऑफ एनीथिंग, मॉड ऑफ एनीथिंग प्लस एनीथिंग, कब? जब एनीथिंग पॉजिटिव हो, और एक माइनस एनीथिंग बेटा कब? जब एनीथिंग नेगेटिव हो। इफ एनीथिंग पॉजिटिव, इफ एनीथिंग पॉजिटिव देन प्लस, इफ एनीथिंग नेगेटिव माइनस। दोनों के मीनिंग सेम है, मतलब मॉड के अंदर कुछ भी हो बेटा, मॉड ऑफ एनीथिंग, एक प्लस एनीथिंग होगा और एक माइनस एनीथिंग होगा। प्लस एनीथिंग कब होगा बेटा? जब वो एनीथिंग पॉजिटिव हो, और माइनस एनीथिंग कब होगा बेटा? जब एनीथिंग नेगेटिव हो। ओके, ये है डेफिनेशन ऑफ मॉड। बेटा मॉड का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये मैं आपको सिखा रहा हूं। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर हो तो बाहर आके मॉड बन जाएगा। बेटा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपको लग रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आ रहा है, तो इमीडिएटली बाहर लाके उसको मॉड लगा देना। मॉड का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मॉड ऑफ एनीथिंग प्लस एनीथिंग जब एनीथिंग पॉजिटिव हो, मॉड ऑफ एनीथिंग माइनस एनीथिंग जब एनीथिंग नेगेटिव हो। ओके, ये है डेफिनेशन ऑफ मॉड। एक सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फाइव। ओके बेटा, मैं आपसे बोलूं चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको अभी भी सिखाया। बेटा मॉड के दो फोल्डर होते हैं, एक तो प्लस एक्स होता है और एक माइनस एक्स होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एक्स माइनस टू पॉजिटिव। बेटा मॉड के अंदर क्या है? एक्स माइनस टू, तो पॉजिटिव लगाना है और मॉड को हटाना है। ओके, ये लो। सेकेंड केस क्या होगा? सेकेंड केस क्या होगा बेटा? इफ एक्स माइनस टू नेगेटिव। बेटा यदि एक्स माइनस टू नेगेटिव है तो माइनस लगाना है और मॉड को हटाना है। ओके, अब आप देखिए इसको फर्दर सॉल्व। तो एक्स बराबर क्या आ गया बेटा? सेवन। और यहां एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर क्या जाएगा? प्लस टू ट्रांसफर होगा तो थ्री। तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस थ्री। अब आप मुझे बताइए, एक्स सेवन है बेटा, ये केस कब वैलिड है? जब एक्स ग्रेटर देन टू हो। और ये वाला केस कब वैलिड है? जब एक्स लेस देन टू हो। ओके, आप मुझे बताइए, जब एक्स टू से बड़ा है तब आंसर क्या है? सेवन। और जब एक्स टू से छोटा है तब आंसर क्या है? माइनस थ्री। तो बेटा ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा हो, ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा हो। ओके, तो एक्स बराबर सेवन, क्या एक्स बराबर सेवन ग्रेटर देन टू है बेटा? क्या एक्स बराबर सेवन ग्रेटर देन टू है?
वेरी गुड. तो आंसर क्या है इसका? 7. मतलब ये सॉल्यूशन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो आंसर विल बी 7. ओके, अब आप बताइए क्या ये -3 2 से छोटा है बेटा? तो इसका आंसर भी -3 होगा, क्योंकि -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो फाइनल आंसर आ गया बेटा 7 and -3. ये है फाइनल आंसर. बेटा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं. देखिए बेटा, मॉड के दो फोल्डर होते हैं, एक तो प्लस होता है और एक माइनस होता है. जब भी हम मॉड को रिमूव करते हैं तो एक प्लस साइन आता है और एक माइनस साइन आता है. प्लस कब आता है बेटा? जब मॉड के अंदर जो भी बैठा है. बेटा मॉड ऑफ एनीथिंग, मॉड ऑफ एनीथिंग प्लस एनीथिंग कब? जब वो एनीथिंग पॉजिटिव हो. मॉड ऑफ एनीथिंग माइनस एनीथिंग कब? जब वो एनीथिंग नेगेटिव हो. ओके, तो जब ये पॉजिटिव है बेटा, मैंने पहला केस क्या लगाया? इफ एक्स माइनस टू पॉजिटिव देन प्लस लगाओ और मॉड उठाओ, और यदि x माइनस टू नेगेटिव है देन माइनस लगाओ और मॉड उठाओ. अच्छा, इसमें एक केस और बचा है. जरा सोचो, मैंने एक प्लस वाला ले लिया, एक माइनस वाला ले लिया. अभी एक और केस बचा है, इक्वल वाला. इफ x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. यदि x माइनस टू जीरो के बराबर है तो x बराबर क्या जाएगा बेटा? 2. अब आप देखिए क्या टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है. यदि हम 2 रखते हैं तो 2 माइनस 2 0, तो 0 का मॉड क्या आएगा? 0. 0 इज इक्वल टू 5. बेटा क्या 0 5 के इक्वल होता है? तो 0 5 के इक्वल नहीं होगा, तो 2 जो होगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा. ओके, x नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसका सॉल्यूशन 2 नहीं है, क्योंकि 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो फाइनल आंसर है 7 and -3. चलो एक बार चेक करते, इमीडिएटली चेक करते. 7 इसमें रखते हैं, 7 माइनस टू 5. 5 का मॉड 5 बराबर 5. क्या 7 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. अब -3 रखते हैं. चलो -3 माइनस टू माइनस फाइव का मॉड क्या होगा बेटा? 5 इज इक्वल टू 5. बिल्कुल सही है, मतलब आंसर हमारे करेक्ट है. ये है फाइनल आंसर, नोट कर लें इसको. बेटा मॉड को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं. देखिए मॉड ऑफ एक्स, बेटा मॉड ऑफ एक्स इसके दो फोल्डर होते हैं, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स. बेटा प्लस एक्स कब होता है? जब एक्स पॉजिटिव हो. और माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स नेगेटिव हो. ओके, और प्लस जीरो कब होगा बेटा? जब एक्स जीरो. एक्चुअली इसके सचमुच में देखा जाए तो 3 फोल्डर है, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स और एक जीरो. ओके, अब सुनिए मैं फिर से बता रहा हूं कि मॉड के अंदर सपोज नेगेटिव है. जैसे मैं आपसे बोलूं कि मॉड ऑफ -7, तो आप आंसर देंगे 7. इसमें आपने क्या सीखा? मॉड क्या करता है? मॉड एक और नेगेटिव दे देता है यदि उसके अंदर नेगेटिव है. तो जैसे देखो मॉड के अंदर क्या है? नेगेटिव. तो उसने क्या दिया? एक नेगेटिव और दे दिया. जैसे -7 के आगे क्या लगा दिया उसने? माइनस, ताकि वो क्या हो जाए? प्लस. मतलब मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव. मॉड का जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव होता है बेटा. मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है. मॉडलस फंक्शन जो होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं. तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा. और सपोज इसके अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाओ और मॉड उठाओ. और मान लीजिए मॉड के अंदर प्लस है, सपोज मॉड ऑफ 7 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. 7 ठीक है भाई, 7 प्लस है तो प्लस लगाना है और मॉड हटाना है, क्योंकि मॉड का नेचर ही पॉजिटिव है. मॉड क्या देता है? ऑलवेज पॉजिटिव. तो यदि उसके अंदर नेगेटिव है तो बेटा नेगेटिव लगाओ और मॉड हटाओ, और मॉड के अंदर यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाओ और मॉड हटाओ. ये है मॉड. क्लियर है? इसको बोलते हैं मॉड. मॉड ऑफ एनीथिंग प्लस एनीथिंग कब? जब वो एनीथिंग पॉजिटिव हो. मॉड ऑफ एनीथिंग माइनस एनीथिंग कब? जब वो एनीथिंग नेगेटिव हो. मॉड क्या करता है? यदि मॉड के अंदर नेगेटिव है तो वो एक और नेगेटिव दे देता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए. ये है डेफिनेशन. अब आप देखिए एक और क्वेश्चन में करा रहा हूं. मॉड ऑफ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 7. मैं बोलूं चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व दे इस इक्वेशन. तो देखिए फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं. देखिए बेटा आप तो ऐसे एरो बना लिया करो दो. बेटा जैसे मैं करता हूं वैसे आप करो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. पहले आप क्या करेंगे? इफ इफ 3x माइनस 1 पॉजिटिव,
अब मैंने बोला कि 3x माइनस 1 पॉजिटिव है, तो बेटा पॉजिटिव लगाओ और मॉड हटाओ, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि ये कैसा है पॉजिटिव। अच्छा ये मैं खुद बोल रहा हूं कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि x कैसा है। बेटा ये क्या है, वेरिएबल है, और मुझे पता नहीं कि ये कैसा है। तो मेरा मन कहा कि भाई एक बार ये पॉजिटिव रख देता हूं मैं इसको, एक बार इसको मैं नेगेटिव रख देता हूं, और एक बार इसको जीरो रख दूंगा, हो गया। अब देखिए इफ, ये केस मैं लगा रहा हूं, फर्स्ट केस क्या है, इफ 3x माइनस 1 पॉजिटिव, देन पॉजिटिव लगाओ और मॉड हटाओ। अब इसको फर्दर सॉल्व, तो 3x बराबर 8, तो x बराबर क्या गया बेटा 8 बाय 3। अब इसी तरीके से सेकंड केस, इफ 3x माइनस 1 लेस देन 0, 3x माइनस 1 कैसा है बेटा, नेगेटिव। तो बेटा मैंने कैसे कहा है, नेगेटिव लगाओ और मॉड हटाओ, ओके। तो माइनस 3x प्लस 1 7, तो माइनस 3x प्लस 6, तो x बराबर क्या आ गया बेटा माइनस 2। बेटा हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। अब इधर देखिए, अब यहां पर आपको ध्यान देना है बेटा, बेटा ये कब पॉसिबल है, जब ऐसा हो। ये कब पॉसिबल हो, जब ऐसा है। अब सुनिए ये क्या लिखा है बेटा, 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 3x ग्रेटर देन 1 देन x ग्रेटर देन 1 बाई 3। बेटा ये क्लियर है, ये सॉल्व कैसे कर रहा हूं मैं, क्लियर है। मैंने 1 को ट्रांसफर किया और फिर 3 से डिवाइड किया। अब आप मुझे बताइए मेरा जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है, x बराबर 8 बाई 3, क्या 8 बाई 3 ग्रेटर देन 1 बाई 3 है, वेरी गुड। तो हमारा आंसर 8 बाई 3 होगा, एक आंसर आ गया 8 बाय 3। अब चलो सेकंड केस, इसको सॉल्व करते हैं। तो x लेस देन क्या आएगा बेटा 1 बाय 3। अब आप मुझे बताइए क्या माइनस 2, क्या माइनस 2 लेस देन 1 बाय 3 है, yes, तो एक आंसर आ गया माइनस 2। बेटा मान लीजिए सपोज ये माइनस 2 जो है वो 1 बाय 3 से कम नहीं होता, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी मान लीजिए ऐसा होता कि ये इसके इससे कम नहीं होता, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाता, ओके ये वाला पॉसिबल ही नहीं होता। बट अभी पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन समझ, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। बेटा ये बोल रहा है 1 बाई 3 से कम, तो क्या 1 बाई 3 से कम माइनस 2 है, बिल्कुल है, तो माइनस 2 सॉल्यूशन होगा। तो बेटा इसके दो सॉल्यूशन है, ओके। अब एक और केस बचा इसमें, थर्ड केस कौन सा है बेटा, 3x माइनस 1 कैसा होना चाहिए, 0। तो यदि 3x माइनस 1 0 है तो आपको सोचो 0 इज इक्वल टू 7 होता है क्या, 0 7 के बराबर होता है क्या, नहीं। तो क्या 3x माइनस 1 0 हो सकता है, नहीं। तो क्या x 1 बाई 3 हो सकता है, नहीं। तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये वाला केस रिजेक्ट। तो फाइनल आंसर है 8 बाई 3 एंड माइनस 2, इसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब हम मॉड की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान देना सभी, इसे मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2 है। बेटा अब आ गई मॉड इनइक्वालिटी, अब इसको सॉल्व कैसे करते देखिए, मैं आपसे बोलूं चलो इसको सॉल्व कर। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहां इनइक्वालिटी है ना कि इक्वेशन, इसके पहले मैं कैसे कर रहा था बेटा मॉड की इक्वेशन, अब ये इनइक्वालिटी है। अब देखिए तरीका वही होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे दो एरो बनाएंगे बेटा। फर्स्ट कंडीशन इफ, इफ x माइनस 1 पॉजिटिव, इफ x माइनस 1 पॉजिटिव, ओके, देन पॉजिटिव लगाओ और मॉड हटाओ, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व, तो x लेस देन 3, और ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 1। अब सेकेंड केस, इफ x माइनस 1 लेस देन 0, देन x लेस देन 1। अब बताइए ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव लगाना है और मॉड हटाना है, लेस देन 2। अब इसको फर्दर सॉल्व, माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 2, तो माइनस एक्स लेस देन 1। अब सुनिए बेटा यहां माइनस एक्स है, और जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। बेटा जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज, तो माइनस से डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी चेंज। आप बताइए मुझे, बेटा ध्यान देना सभी, आप इसके बाद बेटा ये कब पॉसिबल है, जब ऐसा हो।
अब आप मुझे बताइए, ये बोल रहे हैं थ्री से कम और ये बोल रहे हैं वन से ज्यादा, तो कॉमन क्या आएगा बेटा? वन से थ्री। जरा सोचो, ये बोल रहे हैं लेस देन थ्री बट ग्रेटर देन वन, ये कब पॉसिबल है? जब ऐसा हो। अब ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा हो। तो इन दोनों को कॉमन क्या आएगा बेटा? ये बोल रहा है वन से बड़ा, ये बोल रहे थ्री से छोटा, अल्टीमेटली वन से थ्री के बीच में। तो बेटा इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? वन टू थ्री। मतलब जब तक एक्स वन टू थ्री होगा तब तक ये पॉसिबल होगा। ओके, आप इधर जाइए बेटा। ये क्या बोल रहे हैं? वन से कम। और ये क्या बोल रहे हैं? माइनस वन से ज्यादा। बेटा ये है लेस देन वन और ये है ग्रेटर देन वन, माइनस वन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये लेस देन वन है और ये ग्रेटर देन माइनस वन है। तो बेटा कॉमन क्या आएगा? ये बोल रहे माइनस वन से ऐसे चलो और ये बोल रहे वन से ऐसे चलो, तो अल्टीमेटली माइनस वन से वन। कॉमन समझते हो? कॉमन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बोल रहे वन से कम। बेटा ये कब पॉसिबल है? जब ऐसा हो। तो ये बोल रहे माइनस वन से बड़े, बड़े के लिए चलो आप, माइनस वन से राइट, और ये बोल रहे वन से लेफ्ट, तो माइनस वन टू वन। इन दोनों को कॉमन क्या आएगा? माइनस वन टू वन। तो माइनस वन टू वन, ये एक सॉल्यूशन आ गया बेटा। ये इसके सॉल्यूशन है। मतलब ये इनइक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब एक्स ऐसा हो, जब एक्स ऐसा हो। अभी एक और केस बचा है बेटा, लास्ट केस क्या होता है? इक्वल वाला। देखो ये क्या था? पॉजिटिव। ये क्या था? नेगेटिव। अब मैंने क्या सिखाया? इफ एक्स माइनस वन जीरो, इफ एक्स माइनस वन जीरो, इफ एक्स माइनस वन जीरो। अब जैसे ये जीरो होगा तो बेटा जीरो का मोड क्या होगा? जीरो। क्या जीरो लेस देन टू होता है? जीरो लेस देन टू होता है। मतलब एक्स बराबर वन, एक्स बराबर वन, इसका एक सॉल्यूशन है। क्या एक्स बराबर वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा? तो वन इसका सॉल्यूशन है। तो एक काम करते, वन यहां ले लेते, वन पर मैंने इक्वल लगा दिया, तो ये वाला हटके यहां पहुंच गया, तो फाइनल आंसर आ गया ये। अच्छा, यहां वन ले सकते हो या यहां ले लो, बात एक ही है, एक जगह कहीं भी वन लेना है बेटा। इसका सॉल्यूशन क्या क्या आया? एक सॉल्यूशन तो ये आया, एक सॉल्यूशन ये आया था, और एक सॉल्यूशन वन। क्या वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। तो वन मैंने यहां लगा दिया, आप यहां भी लगा सकते हैं बेटा। ओके, तो फाइनल आंसर कैसे दोगे आप? फाइनल आंसर दोगे इसका माइनस वन से थ्री यूनियन माइनस वन टू वन। अब बेटा ये यूनियन कहां से आ गए? ये क्लियर है, यूनियन मतलब ये भी और ये भी। बेटा आपको ये भी लेना है और ये भी लेना है। इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन क्या है बेटा? दो, एक ये और एक ये। ये है फाइनल आंसर। यूनियन का मतलब है ये एंड ये, और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। यहां हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। देखो दो सैंपल होते हैं, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन, ऐसा इंटरसेक्शन ऐसा बनता है। और ये तो इधर हमने क्या लिया था बेटा? इंटरसेक्शन। इधर हमने क्या लिया था दोनों का? इंटरसेक्शन। और इधर इन दोनों का क्या लिया था हमने? यूनियन। बेटा सुनो, जब भी केसेस के अंदर केसेस होते हैं तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं। बेटा ये कब पॉसिबल है? जब ऐसा हो। ये कब पॉसिबल है? जब ऐसा हो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन, क्योंकि ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, ये भी है और ये भी है। मान लो ये रिजेक्ट हो जाता तो आंसर सिर्फ ये देते, मान लो ये रिजेक्ट हो जाता तो आंसर वो देते। ओके, तो फाइनल आंसर है ये। और लास्ट में हम क्या करते हैं बेटा? आखिरी वाला केस कौन सा है? इक्वल वाला, उसको हम इमीडिएटली चेक। अच्छा देखिए, जैसे मैंने यहां पर यूनियन फॉर्म में आंसर लिख दिया, एक आंसर लिखा मैंने माइनस वन से वन यूनियन, एक आंसर लिखा मैंने वन से थ्री। बेटा इसका यूनियन भी हम ले सकते हैं। देखो यूनियन कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूं, यूनियन कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूं। आप खुद सोचो, ये बोल रहा है माइनस वन से वन, बेटा नंबर लाइन, नंबर लाइन पर पहुंच जाओ। ये बोल रहा है माइनस वन से वन और ये बोल रहा है वन से थ्री, तो इसको हम ले सकते हैं माइनस वन से थ्री। जरा सोचो भाई, इसने स्टार्ट किया माइनस वन से वन और फिर इसने स्टार्ट किया वन से थ्री, और मैं बोल रहा हूं ये भी है और ये भी है, तो हम सीधे माइनस वन से लेकर थ्री तक चले जाते हैं ना। बोलो
देखो यहां वन नहीं है बट यहां वन है तो उसके यूनियन में वन होगा। आप देखो इसके अंदर वन है कि नहीं है। हां यदि यहां इक्वल नहीं होता, सपोज वन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर हम यूनियन नहीं ले पाएंगे। फिर हम क्या बोलेंगे, माइनस वन से थ्री एक्सेप्ट वन, क्योंकि इसमें से वन क्यों निकाला बेटा मैंने, क्योंकि इसमें वन है और यदि वन गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मुझे वन निकालना पड़ेगा, जबकि अभी वन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैं वन नहीं निकालूंगा। यह है फाइनल